मुकेश सैनी के पिता की हत्या से मुकेश सैनी पूरी तरह से टूट गए। दरभंगा में हुई इस वारदात से वीआईपी प्रमुख मुकेश सैनी पर दुखों का पहाड़ टूट गया है। दरअसल मंगलवार को उनके घर से पिता जीतन सैनी का शत विक्षत अवस्था में शव मिला। बदमाशों ने बेरहमी के साथ हत्या कर दी। वहीं इस घटना को लेकर मुकेश सैनी ने बुधवार को मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि हम पिताजी से यहां 10 दिन पहले आकर मिले थे, उनके कान और घुटनों में दर्द था। उन्होंने कहा कि राजनीतिक विवाद में पिताजी की हत्या नहीं हुई है। जब मेरा ही किसी से राजनीतिक में दुश्मनी नहीं है तो पिताजी का कैसे रहेगा। अकेले यहां रहते थे, अपने हिसाब से जीवन जीते थे। हम तो कई बार बोले थे कि मेरे साथ मुंबई या पटना रहिए, लेकिन पिताजी को गाँव ही पसंद था। आपको बता दें कि मुकेश सैनी ने कहा कि प्रशासन एक्टिव होकर काम कर रहा है, पुलिस जल्द मामले पर से पर्दा उठाएगी। जांच से हम संतुष्ट हैं, उम्मीद है कि अपराधियों को सजा मिलेगी, प्रशासन मेरे साथ न्याय करेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। बात हुई है, गृहमंत्री अमित शाह लालू जी का भी कॉल आया था और साथ ही उन सभी नेताओं का कॉल आया था जो मेरे शुभचिंतक हैं। ये बातें मुकेश सैनी ने मीडिया से बातचीत में कही है। आगे वीआईपी प्रमुख ने कहा कि ब्याज पर पैसा उधार देने के मामले में हत्या की गई है या नहीं, इसकी मुझे जानकारी नहीं है। मुझे नहीं पता कि पिताजी लोकल लेवल पर क्या करते थे। अगर किसी को पैसे की जरूरत रहती तो पिताजी का सेवा करके उधार पैसे ले लेते थे। वो कहते थे कि 10 दिन में लौटा देंगे, गाँव में तो ऐसा होता ही है। इस तरीके से मुकेश सैनी ने भावुक होते हुए पिता से जुड़े वो किस्सा शेयर किया है मीडिया के साथ में। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।